बुलबुल, ये एक अनकही अनसुनी कहानी है। बहुत सालों में एक बार कही जाने वाली अनोखी दास्तान है। तेज रखती है चेहरे पे नूर जो लड़की चुलबुल, उस नादान की कहानी है बुलबुल, या फिर चुड़ैल की, आई डोंट नो। तो ये कहानी शुरू होती है 1881 बंगाल प्रेसिडेंसी से, जब बाल विवाह को सही माना जाता था। जहां उस चुलबुली लड़की की आज शादी है और इसका होने वाला आज फिरता रूपी के आए हो, पति है सत्या, और उसके परिवार में है उसके भैया जिनका वेरिएंट भी उनके साथ रहता है, वेरिएंट आइडेंटिफाइड, जो दिमाग से बच्चा है मगर कद काठी में बिल्कुल बड़े भाई इंद्रलीन जैसा है। तो फाइनली शादी हो गई। बताओ, जब इसके डायपर पीले करने की उम्र थी तो समाज ने इसके हाथ पीले कर दिए, इससे पहले इसकी उंगलियां मुट्ठी बने उससे पहले ही उसमें शादी की अंगूठी पहना दी गई। तो अब उसकी विदाई के बाद पालकी में उसका छोटा पति सत्या उसे एक कहानी सुनाता है, चुड़ैल की कहानी, और इन्हीं कहानियों को सुनते सुनाते ये अपने ससुराल आ गई। वो कहाँ है? कौन? जिससे मेरी शादी हुई थी। वो तो हम हैं। नहीं, वो तो मेरे जितना था। बाल विवाह दो छोटी उम्र के बच्चों के बीच होता सुना है, पर एक बाल विवाह के बाद उस बच्चे के बाप की उम्र का बड़ा भाई उसकी पत्नी छीन ले तो ताजुब होता है। हाँ, जैसे इंस्टाग्राम ने हम सबकी नींद छीनी हुई है वैसे। सबके सब चोर हैं साले। बड़े भाई इंद्रलीन ने बुलबुल को अपनी पत्नी बना लिया, और बस उसके बाद बुलबुल और सत्या ऐसे ही साथ में कहानियां सुनते सुनाते साथ खेलते हंसते रोते बड़े हो गए। 20 साल बीत गए। आज सत्या 5 साल बाद हवेली लौटा है, क्योंकि बड़े भाई इंद्रलीन ने सत्या को बुलबुल से बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए लंदन भेज दिया था। लेकिन बुलबुल ने हमेशा सत्या को अपना पति माना, क्योंकि भले ही उस पे डायपर पीले करने का हक छिन गया हो, लेकिन हाथ पीले किसके नाम के हुए हैं ये उसे अच्छे से पता था। सत्या को महसूस हुआ कि हवेली में सब कुछ बदल गया है, बच्चे छोटा भीम की जगह एनिमे देखने लग गए हैं। पूरी हवेली में शोर खामोश है, मगर खामोशी की आवाज शोर से भी तेज है। वो जब अपनी भाभी से मिलता है तो उसे पता लगता है कि जिस चुड़ैल की कहानी बचपन में वो मजाक में सुनाया करता था, उसी चुड़ैल ने दुर्गा पूजा वाले दिन सत्या के भाई महेंद्र को मार डाला, वही भाई जो दिमाग से बच्चा था। ये चुड़ैल पक्का टीवीडी देखती होगी। तो रात को सत्या निकल रहा था शिकार पे, जब उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर सुदीप से, जो बुलबुल से मिलने आया है और लग रहे हैं चमड़ी में डीप से। तो सत्या इन्हें बताता है कि वो हत्या करने जा रहा है ट्रीज में, जंगल में, उस जानवर की जो चुड़ैल बनके सबको मार रही है। गांव वाले पहले ही पेट्रोल के दाम से डरे हुए हैं, और आप उन्हें साथ में शिकार पे ले जाना चाहते हैं? ओए, कमेंट मेरा पिन कर, मैं लेके जाऊंगा साथ में मास्टर दिनकर। और ये सत्या को बताता है कि गांव के मास्टर दिनकर अपनी बीवी को मारते हैं गिन गिन कर। ओके, तो वेल, ये सब 5 लोग उस चुड़ैल को पकड़ने जाते हैं, मगर तभी किसी ने मिसोजिनिस्ट मास्टर दिनकर को रात में मार दिया। व्हाट द फक, और ये कोई और नहीं, वो उल्टे पैर वाली चुड़ैल है। मतलब ये सच में है, पर सत्या तस से मस नहीं होता, उसे लग रहा है चुड़ैल जैसा कोई सच नहीं होता, पक्का ये कोई इंसान है। सत्या परेशान है और वो निकल जाता है वो जमा करने जो एम्बर के पास स्टार्टिंग से नहीं थे, प्रूफ। मगर कुछ दिन के बाद एक मर्डर और हुआ, और इस बार उस मर्डर की विटनेस थी एक छोटी बच्ची, और उससे जब भी पूछो तो वो कहती, उनको काली माँ ने मार दिया, काली माता, काली माता। तो अब सत्या की क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि बटर पॉपकॉर्न में कहाँ है बटर, और आखिर कौन कर रहा है ये सब मर्डर। तो अब वो इस केस की सारी फाइल्स एनालाइज करता है। ये क्राइम सीन पे डॉक्टर सुदीप? हाँ सर, सुदीप सर वहाँ कोई मरीज के ईगल वाले प्यार का इलाज करने गए थे, उन्होंने ही हमें बुलाया। उस दिन मास्टर दिनकर की डेथ के समय भी सबसे पहले डॉक्टर सुदीप ही थे। इन्हीं सब की तहकीकात करते सत्या को पता लगा कि सारे हादसे जैसे भी हुए, जहाँ भी हुए, उनमें एक इंसान बिल्कुल टाइम पे वहाँ आ जाता था, और वो है डॉक्टर सुदीप। और उसे होने लगा उस पे शक। वो अलग बात है कि उसका सिर्फ एक शक नहीं था,
उसे अब बुलबुल और सुदीप की नजदीकियों पर भी शक था। तो सत्या डॉक्टर सुदीप के घर जाके बोलता है, हैंडसम, हाँ, I mean, hands up। किस लिए? क्योंकि मैंने कोई झूठ बोला। अगर झूठ बोलने पे सजा होती तो आज तक कितने बड़े बड़े लोग जेल में होते। तूने ही किया है सबका खून, तो तुझे ले जाऊंगा जेल, इससे पहले ढले मून। तो वहाँ महेंद्र की बरसी है और उधर एक पति ने दूसरी पत्नी के कहने से अपनी पहली पत्नी को घर से निकाल दिया और उस पत्नी ने खुदकुशी कर ली। इधर सत्या कर रहा है पूछताछ सुदीप से, पर इनकी बग्गी चलाने वाला आदमी तो वही है जिसकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली थी। सत्या मान लेगा कि सुदीप निर्दोष है अगर चुड़ैल उसके सामने आ जाए। अगर सही में चुड़ैल है तो सत्या गाड़ी के बाहर आके देखता है कि किसी ने गाड़ी वाले को भी मार दिया। कि तभी सत्या को कुछ खौफनाक दिखा और वो अपनी गन पॉइंट करता है और सामने खड़ी है वो चुड़ैल। सत्या चला देता है उस चुड़ैल पे गोली, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सच में चुड़ैल है। तो सत्या उसे मारने जंगल में भाग जाता है। इतने में डॉक्टर सुदीप को दिखती है वो चुड़ैल। बड़ी बहू, वो तो फक, मतलब बुलबुल ही वो चुड़ैल है, मगर कैसे? कुछ साल पहले जब सत्ता लंदन चला गया था, लेकिन उसके बाद बुलबुल की जिंदगी में जो तूफान आने वाला था उसका सत्या और बुलबुल को अंदाजा भी नहीं था। या शायद बुलबुल को था। बुलबुल के पति ने उनको दूर तो कर दिया, लेकिन जब बुलबुल के मन में सत्या के लिए प्यार नहीं गया तो उसका छोटा सा मैन ईगो हर्ट हो गया और उस रात उसने लोहे की रॉड से बुलबुल को इतना मारा कि उसके पहले वार से आखिरी वार तक बुलबुल के अंदर का सारा चुलबुलापन खत्म हो गया। अगले दिन डॉक्टर सुदीप ने बुलबुल के शरीर से लोहे के टुकड़े निकाले और उसके दोनों पंजे जो फ्रैक्चर हो गए थे उन्हें बांध दिया। उसके बाद बड़े ठाकुर वो घर छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि अब इस हवेली में उसके लिए कुछ और नहीं बचा। लाइक सीरियसली। यहाँ बुलबुल अपने दर्द को लेके बेड पे है और बड़े ठाकुर वापस आ गए। ओ अच्छा, नहीं नहीं, ये तो महेंद्र है, भाई है ना, सेम दिखते हैं। महेंद्र जो हमेशा से बुलबुल को गुड़िया समझता था, बुलबुल को क्या पता था कि एक दिन वो गुड़िया समझ के उसके साथ ऐसा खेल खेलेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। और एक बार फिर इस हादसे की शुरुआत से लेकर आखिर तक बुलबुल ने बाकी बचा अपना सब कुछ खो दिया और वो मर गई। लेकिन कहते हैं ना, बुराई से ऊपर अगर कोई शक्ति है तो वो है औरत। वो औरत जो जिंदगी में कभी ना कभी काली माँ जरूर बनती है। और फिर आता है बुराई का काल और ये बुलबुल अब काली माँ का रूप थी। उसकी सिसकियां भरी चीखों में बदल गई, चेहरे पे भोलेपन की बजाय वो तेज, उसकी मासूम आंखों में मासूमियत की बजाय गुस्सा, दुख की जगह बुराई पे अच्छाई की जीत ने ले ली थी और इसे एक चुड़ैल समझ रहे थे ये लोग, बताओ। तो महेंद्र की बीवी उसे वो सीख देती है जो लड़की के साथ गलत होने के बाद हर कोई इज्जत के डर से लड़कियों को दे देता है, चुप रहना, बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं। हाँ, अगर उन हवेलियों में महेंद्र और इंद्रलीन जैसे चूतिए रहते हैं तो सही में राज होते हैं। अब इसे चुड़ैल या काली माता जो मानना है मानो, लेकिन ये है बुलबुल। बुलबुल के पैर धीरे धीरे दर्द में उल्टे घूम गए, क्योंकि महेंद्र ने उसके साथ जो जबरदस्ती की उसने डॉक्टर सुदीप के इलाज को कर दिया बद से बदतर। और यहाँ बैक टू द फ्यूचर, जहाँ सत्या को हो गया है अब भरोसा कि चुड़ैल सच में है। सत्या को करना है उसका शिकार। तभी उसकी मशाल से सारे जंगल में आग लग जाती है। सत्या का मानना है कि वो चुड़ैल है, लेकिन डॉक्टर सुदीप के लिए वो एक देवी है, क्योंकि उन्हें अब सब पता है ना। पर उस जंगल की आग से बाहर बुलबुल कभी नहीं निकल पाई और इसके बाद एक बार फिर सब कुछ बदल गया। सत्या ने बड़े भाई को चिट्ठी लिखी कि वो जिस हवेली में उस जैसा बनने आया था अब वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है, कहीं वो अपने भाई जैसा ना बन जाए। और वैसे भी अब वो सब एक खून से बंधे हैं, बुलबुल के खून से। अब कुछ वक्त बाद बड़े ठाकुर हवेली में वापिस आ जाते हैं और इनसे मिलने आती है बुलबुल। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? एक औरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जिस पे हम कब्जा कर सके, हक जता सके, उसे मार सके, पीट सके।
एक औरत उतना ही मान सम्मान डिजर्व करती है जितना एक आदमी करता है अपनी जिंदगी में, और अगर तुम उसके साथ गलत करोगे तो वो तुम पे भारी पड़ेगी कर्मा के रूप में। और अगर तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे ना तो काली माता आएगी औरत के रूप में। और एनी अब एक गाना बजा दे हॉरर के रूप में।